सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज संख्या की पावन धरती पर पहुंचा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ समय पहले अज्ञात लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने तथागत बौद्ध भिक्षुओं, तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी बौद्ध भिक्षुओं पर जानलेवा हमला किया था, उनके साथ मारपीट की थी। तो आज मैं संकिशा में बैठा हुआ हूं और उसी बुद्ध विहार में बैठा हूं। उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मैं शासन प्रशासन से अपील कर रहा हूं और खास तौर से देश भारत में, भारत के बाहर रह रहे बुद्ध के अनुयायियों से अपील कर रहा हूं। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो धम्म की रक्षा कैसे होगी, बौद्ध भिक्षुओं की रक्षा कैसे होगी। तो हमारे साथ बैठे हैं भंते जी अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर बिच्छू धम्मपाल खेरो, शाकमुनि बुद्ध विहार संघ के साथ। कुछ दिन पहले 17 मई 2020 को यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने बुद्ध विहार के अंदर आकर के मारपीट की और मारपीट करके चले गए और धमकी दे करके ऐसे चले गए कि यहाँ से जान से हम लोग आप लोगों को मार के भगा दूंगा। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर घटी और कुछ दिनों बाद नदीपाल 22 तारीख को एक अन्यत्र घटना घटी जो जिला फरुखाबाद में पड़ती है, वो भी बनते लोगों पे ही घटना घटी थी। इस तरह की घटनाएं बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। हम लोग चाहते हैं कि सारा भिक्षु संघ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के कोई ऐसी रणनीति अपनाई जाए जो कि ये घटनाएं बंद हो सके। जी जी। और हमारे साथ भंते क्षेत्र से बोधी जी बैठे हैं जिनके साथ घटना हुई है, इनके बुद्ध विहार में आकर के गोलीबारी की गई, इनकी बाउंड्री को करा दिया गया। भंते जी अपना परिचय दें। मैं भंते क्षेत्र से बोधी पुस्तकालय मां समता बुद्ध विहार के अध्यक्ष। 22 तारीख की सुबह के टाइम में आरोपी लोग आकर के बुद्ध विहार की बाउंड्री वाल गिराने लगे। जब मुझे पता लगा, मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और फायरिंग करना शुरू कर दिए। 4-5 फायर करते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर यहाँ से नहीं भागोगे तो मैं सभी भिक्षुओं को गोली से मार देंगे। अभी तक शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसके जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, आप लोग एक होकर के हमारी आवाज को बुलंद करें। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हम बौद्ध धर्म के हम लोग उपासक हैं और जब धम्म गुरुओं के ऊपर अपमान की घटनाएं और उनके जान माल की सुरक्षा के ऊपर बात आए तो सभी उपासकों को धम्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। यही तथागत बुद्ध का संदेश है। इसलिए मैं आप सभी को आह्वान करता हूं। मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, पूज्य भंते सुमित रतन थेरा साहब ने हमें इस घटना के बारे में अवगत कराया तो आज हम यहाँ पर आकर के और पुलिस प्रशासन से बात किए। पुलिस प्रशासन से काफी हार्ड टॉक भी हो गई, परंतु गिरफ्तारियों के लिए आश्वासन दिया गया है। हमें सभी धम्म उपासकों को अपने धम्म की आन बान शान मर्यादा और गौरव की रक्षा करने के लिए मुखर होना पड़ेगा, आगे आना होगा। नमो बुद्धाय। और हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर नवल किशोर जी जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन हैं, वो भी भंते लोगों की सुरक्षा रक्षा में आए हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, पूजनीय भंते जी के चरणों में चरण वंदन करते हुए इस भारत देश के साथ पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये भारत देश की धरती है। लग ही नहीं रहा कि हम भारत देश में रह रहे हैं। इस देश के प्रधान सेवक बोल रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए और उसी देश में हमारे बौद्ध गुरुओं पर ये अत्याचार हो रहा है। ये ऐसी घटनाएं, खून खौला देने वाली घटनाएं हमारे इस देश में हो रही हैं, हमारे बौद्ध भिक्षुओं पर हो रही हैं। मैं इस घटना की घोर शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और माननीय प्रधान सेवक जी से उम्मीद करता हूं कि आपने जो व्यक्तित्व, जब विदेश की धरती पर जाते हैं, जब जापान में जाते हैं या दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहां पर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिए हैं।